एंड बहुत सारे देश में ऐसे कोचेस हैं जो पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करवाने का मतलब सिर्फ यही समझते हैं कि लोगों के सामने खड़े होकर अपनी बात रखना, वो गलत है। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति यूनिक है और हर व्यक्ति अगर सबके सामने खड़े होकर ओरेटरशिप के गाने गाएगा तो सिर्फ और सिर्फ वो फेक ही है, वो एक मिथ्या ही है। आपका जो बेसिक नेचर है आपको उसको डेवलप करना है। हेलो दोस्त, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोबारा आपके मेरे हमारे यूट्यूब चैनल विक्ट्री लैब पर। मेरा नाम है GRC और दोस्त आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे पॉइंट्स जो मैंने BIT दुर्ग में रहते हुए सीखे हैं जो आपके पूरे कॉलेज जर्नी को एक दिशा, एक डायरेक्शन, एक डोमेन दे सकते हैं। उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, राइट। यहाँ पर मेरा फाइनल ईयर अभी चल रहा है तो मैंने अभी तक अपने अनुभव के बेसिस पर और अपने सीनियर्स को देखते हुए और साथ में अपने जूनियर्स को मद्देनजर रखते हुए 10 पॉइंट्स क्रिएट किए हैं। तो ये पॉइंट्स BIT दुर्ग में मैंने सीखे हैं। हो सकता है आप कोई भी कॉलेज में हो, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी राज्य के स्टूडेंट हो, फर्क नहीं पड़ता, आप भारत देश के बाहर ये वीडियो देख रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। ये सारे पॉइंट्स जनरलाइज्ड पॉइंट्स है और सिंक्रोनाइजेशन में और क्रोनोलॉजी में है जो आपको होपफुली एक बेटर पॉजिटिविटी आपके लाइफ में लाएगा ही लाएगा। जो सबसे पहला पॉइंट है दोस्त वो ये है कि योर CPI मैटर्स द मोस्ट, रेस्ट फॉल लेटर। भैया देखिए, सबसे पहले CPI आपके लाइफ में मैटर करने वाला है, थोड़ा समझते हैं, राइट। डेफिनेटली कॉलेज मेमोरीज है जो हर समय आपको चेरिश करेंगे, आप जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे वो प्रिटी ऑब्वियस है, बट रिटन डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में एक लौता आपका मार्कशीट ही है जो जिंदगी भर आपके साथ चलने वाला है। जैसे कि आपके क्लास 10th और 12th का मार्कशीट जो है वो जिंदगी भर आपका साथ देगा। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के हमको सिर्फ पढ़ना ही है, लेकिन पहली प्रायोरिटी में हमको ध्यान रखना है कि कौन हमारा परमानेंट साथी है और कौन हमारा टेम्प्ररी साथी है। हमको यहाँ पर प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, हमको कैटेगराइज करना पड़ेगा अपने प्रायोरिटीज को। तो ये पहला पॉइंट है जो हम ध्यान रखेंगे एंड इसके बारे में अंत में मैं आपको पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा कि कैसे मैंने अपना CPI अभी तक 9 के ऊपर मेंटेन किया है बहुत सारी चीज़ों को करते हुए, राइट। तो आप भी किस तरीके से एक अच्छा CPI अगर 9 के ऊपर मेंटेन रखते हैं तो GRE एग्जामिनेशन में MBA एग्जामिनेशन में आपको कितनी बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है वो लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है एक नटशेल ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। अगला पॉइंट दोस्त जो हमारे पास है वो ये है कि डोंट स्टे अलोन टू मच। जी हाँ दोस्त, हर समय आपको अकेले नहीं रहना है। इस बात पे मैं भी काफ़ी कमज़ोर था लेकिन अब मैं काम कर रहा हूँ। जब मैं आपको गाइड करता हूँ, तो जब मैं बच्चों के साथ बात करता हूँ एंड जब मैं अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को देखता हूँ जो एकेडमिकली उतने स्ट्रांग नहीं थे लेकिन आज बहुत तरक्की कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, राइट। तो मन से ये मिथ्या जो है हटा दीजिए कि जो स्टूडेंट बहुत अच्छा नहीं पढ़ता हमको उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना है। सभी के साथ हंसना, उठना, बैठना है, लेकिन आपको पता है कि आपको किसको अपने कितने दायरे में रखना है, वो आपका पर्सनल डिसीजन होने वाला है। लेकिन हाय, हेलो, हंसी मजाक सबके साथ आपको करना है क्योंकि यही मेमोरीज आपको बाद में ध्यान आएंगे। जो अगला पॉइंट दोस्त हमारे पास वो ये है कि भैया कंज्यूम करो कॉलेज लाइब्रेरी को और एक्स्ट्रा रीडिंग करो, मैगजीन वगैरह पढ़ो। जी हाँ दोस्त, ये इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं आज। बात कुछ ऐसी है मेरी फर्स्ट ईयर की, जब हमारे कॉलेज लगते थे, टाइमिंग रहती थी 10 से 4:30, तो जब 4:30 बजे कॉलेज ख़त्म हो जाता था, हमारे कॉलेज में सबसे देखो एक ग्राउंड फ्लोर होता है, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, देन सेकेंड फ्लोर, राइट। तो सेकेंड फ्लोर में हमारी एक्स्ट्रा रीडिंग्स की सारी बुक्स वगैरह अवेलेबल है, रिसर्च जनरल्स हैं, मैगजीन्स हैं, तो मैं तब जाके बैठे रहता था। फर्स्ट ईयर में कुछ समझ नहीं आता था क्योंकि यार फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, अभी भी 12th क्रॉस करके आया है एंड इतने मेजर मेजर मैगजीन्स है, राइट, जिन्होंने रिसर्चर्स ने अपनी जिंदगी लगा दी, वो सारी मैगजीन्स में खोल के बैठ जाता था और देखते रहता था। कुछ समझ नहीं आता था बट खोल के बैठ जाता था एंड थोड़ा बहुत देखता था, आधा एक घंटा टाइम स्पेंड करता था। तो इसका वैल्यू मुझे आज समझ आ रहा है कि अगर आप इस चीज़ को कंटिन्यू करते हो 4th ईयर तक, बहुत अच्छा आपका रिसर्च प्रोजेक्ट होने वाला है, आप मेंटली बहुत ग्रो करने वाले हो, आपको दुनियादारी की बहुत अच्छी समझ होने वाली है कि आपको अपना बेस्ट किस दिशा में देना है ताकि आप भारत देश को कंट्रीब्यूट कर सकें। तो आपको एक्स्ट्रा रीडिंग की हैबिट डालनी है, आपकी कॉलेज फ्री में एक्सेस आपको प्रोवाइड करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको उठाना ही उठाना है। अगला पॉइंट दोस्त हमारे पास जो वो है मेरा पर्सनल फेवरेट है कि टीचर्स आर हेवन ऑन अर्थ। जी हाँ दोस्त, या फिर वो क्रिएट करते हैं हेवन अर्थ पे। मैं भी खुद एक टीचर हूँ तो मैं इस बात को समझता हूँ और मैं प्राउडली एक टीचर हूँ एंड मैं आगे जीवन में एक टीचर ही बनना चाहूँगा क्योंकि बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, उनके जीवन को एक मोल्ड करके दिशा देना टीचर से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो
मैं यहाँ पर सिर्फ BIT दुर्ग के टीचर्स की बात नहीं करूंगा, इन जनरलाइज सभी टीचर्स की, कि टीचर्स अपना बेस्ट देते हैं दोस्त, वो रियली में अपना बेस्ट देते हैं। अब उनकी पढ़ाई थोड़ी सी पहले कंप्लीट हो चुकी है, अभी चीज़ें काफ़ी एडवांस्ड हो चुके हैं, उनको एक स्टिप्युलेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाना रहता है, इसीलिए उनका पढ़ाने का दायरा बहुत ही नैरो हो जाता है, फनल हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनमें जो नॉलेज है या इंफॉर्मेशन गैदर करके उसको एनालाइज करने की एबिलिटी कम है, बिल्कुल भी कम नहीं है, आपसे कई ज़्यादा है। बट वो सालों से जो एक स्टिपुलेटेड सिलेबस में पढ़ाते हैं, इस वजह से वो लिमिट हो जाते हैं। तो टीचर्स के साथ आपका पर्सनल संबंध बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और उतना संबंध स्ट्रांग बनाने के लिए आपको अंदर से टीचर के प्रति श्रद्धा, निष्ठा, डेडिकेशन, डिवोशन लाना पड़ेगा, राइट? वो आप फेक नहीं कर सकते, फेक आप बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चला पाओगे, और वो टीचर्स आपके भी क्या बोलूँ मैं, फादर हैं, वो तो समझ जाते हैं, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से बात है। अगला पॉइंट दोस्त है हमारे पास जो, वो ये है कि स्टार्ट डेवलपिंग योर पर्सनालिटी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए एकेडमिकली यहाँ पर मैं थ्योरेटिकल कुछ नहीं बताऊंगा, राइट, मैं अपना ही एग्जाम्पल आपको दूंगा। जब फर्स्ट ईयर था तब मैंने यहाँ पर अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, कुछ सेकंड सेमेस्टर की दोस्त कहानी थी जहाँ पर मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। कभी भी नहीं सोचा था कि आज 9000 लोग हमारे साथ इस चैनल पर जुड़े हैं, आगे जाके 1 लाख लोग जुड़ेंगे, और उसके बाद 10 लाख लोग भी आपके आशीर्वाद से जुड़ने वाले हैं, राइट? मुझे बस पता था कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग अच्छा लगता है, मुझे ओरेटरशिप अच्छा लगता है, मुझे लीडरशिप अच्छा लगता है, मुझे देश के लीडिंग लीडर्स क्रिएट करना अच्छा लगता है, राइट? आपको वैसा लीडर बनना है जो लीडिंग लीडर्स क्रिएट करे, वो असली लीडर कहलाता है। बी द लीडर ऑफ लीडिंग लीडर्स, वो असली लीडर है, राइट? तो वैसा मेरे अंदर एक बात थी जो मुझे क्रिएट करनी थी, तो मैंने यूट्यूब प्लेटफॉर्म को चुना। तो सबसे पहले तो आपको अपने बेसिक नेचर को पकड़ना पड़ेगा। देखो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कभी भी ये मतलब नहीं होता कि आपको लोगों के साथ सामने खड़े होकर बात करना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना नहीं होता, ये एक मिथ्या है, ये एक भ्रम है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आपका जो बेसिक नेचर है, सपोज आपको चुपचाप बैठ के पढ़ना अच्छा लगता है, आपको रिसर्च करना अच्छा लगता है, आपको किसी के साथ बात करना अच्छा नहीं लगता, तो वो आपका बेसिक पर्सनालिटी है, उसको डेवलप करिए। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? वो आपका बेसिक नेचर है, उसको डेवलप करिए। आप 10 घंटे पढ़ते थे तो 15 घंटे पढ़िए, अपने रिसर्च जनरल स्कोर खंगालिए, अपने खुद के समझने की एबिलिटी को और बढ़ाइए, वो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सही तरीका है। एंड बहुत सारे देश में ऐसे कोचेस हैं जो पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करवाने का मतलब सिर्फ यही समझते हैं कि लोगों के सामने खड़े होकर अपनी बात रखना, वो गलत है। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति यूनिक है, और हर व्यक्ति अगर सबके सामने खड़े होकर ओरेटरशिप के गाने गाएगा तो सिर्फ और सिर्फ वो फेक ही है, वो एक मिथ्या ही है। आपका जो बेसिक नेचर है आपको उसको डेवलप करना है। होपफुली आपकी बात यहाँ पर लग रही होगी, राइट? बिल्कुल सत्य बात है, एंड आप भी एनालिटिकली सोचेंगे तो इस बात को बिल्कुल ही मीठा पाएंगे। तो अगले पॉइंट में दोस्त हम आते हैं जो कि है यूज योर कॉलेज जिम टू द फुलेस्ट। कॉलेज जिम एक ऐसी फैसिलिटी होती है जो बहुत ही अंडररेटेड है हमारे लिए। हाँ, कुछ ऐसे फ्रीक्स होते हैं जो जिम में लगे रहते हैं, जिनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में इसकी वैल्यू पता नहीं चलती, बट समय के साथ जब आपको अपनी फिजिक को और डेवलप करना पड़ता है, क्योंकि आपके कंधे पे और भी बोझ आने वाले हैं, राइट? तो फिजिकली आपको स्ट्रांग होना है, तो कॉलेज लाइब्रेरी के साथ साथ अगर कॉलेज जिम को भी अगर आप सक्सेसफुली यूज़ करते हैं तो बहुत आपके लिए एक बेनिफिट होने वाला है। बिकॉज आप बाहर जाके उतने ही जिम का अगर पैसा देते हैं, उससे अच्छा कॉलेज के जिम को आप टोटैलिटी पे यूज़ करिए। अगला पॉइंट दोस्त हमारे पास जो है वो ये है कि नेवर जज एनीबडी। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे अभी बात कर ही रहा था, राइट? मेरे बहुत ऐसे दोस्त हैं जो एकेडमिकली उतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि भाई वो बने ही किसी और चीज़ के लिए। देखिए आप 12th आप बहुत अच्छे से पढ़िए, ग्रेजुएशन भी आप अच्छे से पास करिए, बट उसी में करियर बनाना ये मूर्खता होगी अगर आप किसी और चीज़ में अच्छे हैं तो। मेरे कितने सारे ऐसे दोस्त हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में किंग है आज, राइट? या वीडियो शूटिंग में क्या गजब की शूटिंग करते हैं, या एडिटिंग में है, या वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, बहुत ही तगड़े तगड़े लोग हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एकेडमिक्स फील्ड पे ही आगे बढ़ना है, या फिर आप किसी को जज करें अगर वो एकेडमिक्स में अच्छा नहीं है तो, राइट? यहाँ पर हर टाइप के लोग हैं। आपको जब आप किसी के अंदर अपनी छवि देखने लगोगे ना कि मैं अगर इसको इस तरीके से ट्रीट कर रहा हूँ तो मुझे भी, मेरे ऊपर भी तो कोई सवासेर होगा ना, मेरे ऊपर भी तो कोई सवासेर होगा, तो मुझे जब वो कोई ट्रीट करेगा तो कैसे लगेगा? जब आप ये सोचेंगे आपको आपका जवाब तुरंत मिल जाएगा। तो अगले पॉइंट पे आते हैं फटाफट भाई। अगला पॉइंट है कि स्टार्ट अ स्किल एंड मास्टर इट। जी हाँ दोस्त, कॉलेज के जो 4 साल होते हैं इंजीनियरिंग के, या फिर 3 साल का जो ग्रेजुएशन का कोर्स होता है, ये एक ऐसा पीरियड होता है, गोल्डन पीरियड, जहाँ पर आपको एक स्किल को
पकड़ना है और उसमें मास्टरी करनी है। जिस तरीके से आप हमें देख सकते हैं कि हमने ओरेटरशिप को पकड़ा, उसके जरिए हमने कंटेंट देना आपको स्टार्ट किया। मेरा मेन काम है कि इस कठिन चीज़ों को सरल शब्दों में समझाना। इसमें मैंने साइंस टेक्नोलॉजी पर भी वीडियोज़ बनाए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर भी, एंटरप्रेन्योरशिप पर भी। अब मैं कॉलेज गाइडेंस आपको दे रहा हूँ छत्तीसगढ़ के इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए, राइट। आप CSVTO में, BIT दुर्ग में, शंकरा में, रुमटा में, GEC में, कोई भी कॉलेज में हो, तो मेरा बेसिक नेचर है ओरेटरशिप, मैं इसको दिशा दे रहा हूँ। ठीक उसी तरीके से आपको अपने बेसिक नेचर को ढूंढना है एंड उसके अकॉर्डिंग स्किल सिलेक्ट करके मास्टर करना है। कोई भी रैंडम स्किल्स मत उठाना, अपने बेसिक नेचर को जानना। और कैसे जाओगे, अपने बेसिक नेचर को कैसे जानोगे, आप बार बार बहुत सारे स्किल्स को ट्राई करोगे तभी आप जान पाओगे कि कौन सा ऐसा काम है जिसको करने के लिए आप सामने से पैसे दे सकते हैं। वो होगा आपका बेसिक नेचर, राइट। तो अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट ये है कि यूज स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। जी हाँ दोस्तों, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज कॉलेज में, आप कॉलेज आवर्स के बाद डेफिनेटली उसको ध्यान दीजिए, राइट। आप टेबल टेनिस खेल सकते हैं, आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, आप यहाँ पर फुटबॉल क्रिकेट सभी पर ध्यान दे सकते हैं। इससे आपका फिजिक भी डेवलप होगा, साथ में आप जिम पे भी समय तो दे ही रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको मार्गदर्शन दिया। एंड अगला पॉइंट जो है, फाइनल 10वां पॉइंट जो हमारे पास आज है, वो ये है कि बी द लीडर ऑफ लीडिंग लीडर्स। जी हाँ दोस्त, आपको लीडर बनना है लीडिंग लीडर्स का। इसका क्या मतलब हुआ, अपने बेसिक नेचर के अकॉर्डिंग आप जो भी काम कर रहे हैं, सपोज हमारा यूट्यूब चैनल आज है, राइट। इसके जरिए हम देश के जो छत्तीसगढ़ राज्य के बच्चे हैं, करीब 4,000-5,000 बच्चों को तो हम कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते ही हैं, उनका मार्गदर्शन करते ही हैं। तो आप ऐसे लीडर बनिए कि वो जो 4,000-5,000 बच्चे हैं वो आगे जाके जब लीडर बने तो वो लीडिंग लीडर्स बने, राइट। बहुत सारे लीडर बनेंगे लेकिन आप उन बच्चों को पकड़े हैं जिनको आपने लीडिंग लीडर्स बनाया है, राइट। जो लीडर्स लीड करते हैं तभी आप एक सक्सेसफुल लीडर कहलाओगे। तो इस तरीके से आपका माइंडसेट होना चाहिए। अब बात करते हैं, जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से CPI मैंने अभी तक अपना 9 के ऊपर मेंटेन करके रखा है स्टडीज के साथ साथ। देखिए दोस्त, जो मैं हर बार करता हूँ, बेसिक नेचर मेरा जो है, इसमें मुझे कोई मेहनत नहीं लगती। जब मैं आपसे बात करता हूँ कैमरा चालू करके, मैं घंटों बात कर सकता हूँ। बस मेरे सामने एक पानी की बोतल रख देना, वो भी मुझे करीब 5-6 घंटों के बाद ही ज़रूरत पड़ेगी, राइट। मैं इतना बोल सकता हूँ क्योंकि मैं हृदय से बोलता हूँ, मेरा स्वभाव ही वही है, मुझे इसमें कोई मेहनत नहीं लगती। तो जो एक्चुअल काम आपका होगा ना, उसमें कभी भी आपको मेहनत नहीं लगेगी। जो बोलते हैं कि हार्डवर्क करिए, ये एक मिथ्या है, ये एक झूठ है। जो असली सत्य वो है, वो ये है कि जो आपका असली काम होगा ना, उसमें कभी भी आपको मेहनत नहीं लगेगी, कभी भी हार्डवर्क उसमें आपको करना नहीं पड़ेगा। अगर उसमें आप देख रहे हो कि यार घिसना पड़ रहा है खुद को, यार करो और अच्छा करो, वो काम आपके लिए नहीं है। तो मैंने अपने हिसाब से अपने काम को चुना, उसके अकॉर्डिंग मैंने स्टडीज भी मेंटेन किया अपना। क्योंकि स्टडीज में भी मैं ऐसे सोचता हूँ, जब मैं पढ़ता हूँ या मैं किसी को पढ़ाता हूँ, मैं ये नहीं सोचता कि मार्क्स ही है सिर्फ, मैं एक लीडर की तरह सोचता हूँ कि मैं इसको, इस कंटेंट को इस तरीके से डिलीवर करूँ कि जो मेरा स्टूडेंट है वो जब सामने वाले को पढ़ाए तो सामने वाले के मन में आए कि अरे यार, इस टीचर को किसने पढ़ाया, जो मुझे भी पढ़ा रहा है इस टीचर को किसने पढ़ाया। इस तरीके से आपको अपनी सोच को बिल्ड करना है। होपफुली आज का वीडियो आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी लाया होगा, आपके मार्गदर्शन में एक सहायता पहुंचाया होगा, तभी हमारा ये वीडियो बनाना और चैनल को आगे बढ़ाना सफल रहेगा। मुझे उम्मीद है आप हमारे बाकी वीडियो से भी लाभ उठा रहे होंगे, जो हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर वीडियोस बना के डाला है, साइंस टेक्नोलॉजी पर हमने डाला है वो जाके देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप पर डाला है, फ्रीलांसिंग हमने किया है, ऑनलाइन अर्निंग। मुझे उम्मीद है आप उन वीडियोस पर भी हमको प्रेम दे रहे होंगे। बाकी तो मिलता हूं मैं आपसे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और दूसरों की हेल्प करते रहिए।